वेलकम टू ऑल एट माय चैनल चैनल बॉलीवुड तक, कहाँ जहाँ लेके आती हूँ मूवीज के रिव्यूज और बातें करते हैं मूवीज के बारे में। सो आज जो है मोस्ट अवेटेड मूवी राधे का ट्रेलर आउट हो गया और हम सब ने देखा। मैंने जब देखा तो मुझे जो है एक मैशअप लगा, एक मैशअप जो कि सलमान खान की मूवी है जो वांटेड और रेस का लगा। मुझे दोनों मूवीज का जो है मिक्स मसाला जो है राधे मूवी लगा। तो ट्रेलर की बात करें तो जैसे कि ट्रेलर शुरू होते हैं, एक बंदा है जो छत पे खड़ा है और छत से कूद कर है जो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद है जो न्यूज में है जो ड्रग्स की न्यूज दिखाई जाती है। उसके बाद जो है रणदीप हुड्डा की एंट्री होती है। रणदीप हुड्डा की एंट्री जो है मुझे अच्छी लगी क्योंकि उनका जो हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस है मुझे अच्छा लगा। और आपको अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि राधे मूवी जो है कि साउथ कोरियन मूवी है। द आउटलॉस का ही ऑफिशियली रिमेक है और उस मूवी में एक विलन जो बनाया गया है डिटो ही जो है उनका ही गेटअप है जो रणदीप हुड्डा को दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे रीमेक में रीमेक आपको मूवीज का भी मिलेगा तो विलन का भी रीमेक में रीमेक देखने को मिलेगा। और आपको पता चलेगा कि कैसे है जो विलन का भी है जो रीमेक बन सकता है मूवीज में। और आगे हम बात करें, आज अगर हम बात करें आगे सलमान खान की एंट्री की होती है। एंट्री जब सलमान खान की होती है तो दिमाग में क्लिक करता है वांटेड का सीन। तो वांटेड में जैसे लुक है, जैसे टपोरी वाला जो उनका सब डायलॉग डिलीवरी है, उनके साथ जो है एक ग्रुप सा है लड़कों का जो वांटेड में भी हमने देखने को मिला था, वही सब जो है हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। और मूवी में जो है सलमान खान प्ले कर रहे हैं रोल एक जो है स्पेशलिस्ट है जो इनकाउंटर में। तो आगे चल के है जो डायलॉग डिलीवरी है हम कहें तो बहुत ही कमजोर लगती है। गाड़ी में जैसे हम देखते हैं एक सीन जहाँ दिशा पटानी और जो है सलमान खान की बात होती है दिया और नादिया को लेके, कुछ ऐसा ही एक डायलॉग जो है दोनों में होता है। वहां पे हम बात करें अगर कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है तो कॉमेडी जो है सीन नहीं लगता और हंसी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर कॉमेडी नहीं डालने की कोशिश की गई तो ये सीन है जी फालतू में ही डाला गया है। आगे चल के हम देखते हैं कि जो एक सीन आता है जहाँ पे गाड़ियों का काफिला जो चलता जा रहा है वहां पे आके है जो लगता है मुझे रेस मूवी याद आती है। और उसके बाद है जो एक गाना आता है वो है तमिल मूवी का गाना है जो सिटी मार अल्लू अर्जुन की मूवी है जो डीजे उसका ही रिमेक है। सो हम मिलजुला के कहते हैं अगर स्टोरी भी आपकी रिमेक है, आपने गाना भी रिमेक ले लिया आपने। और अब गाने की बात करूं तो गाने में है जो आपको जो सेट है जो गाने का जो सब कुछ जो गाने में आपको डीजे मूवी में आपको गाने में दिखेगा वो सब कुछ है जो आपको जो राधे मूवी का गाना है जो सिटी मार उसमें भी दिखेगा। तो रिमेक में एक रिमेक आपने गाने में भी बना दिया तो ऑडियंस को यहाँ डिसअपॉइंटमेंट का जो है सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो है ऑडियंस जब अगर थिएटर्स में जाती है तो कुछ जो है ये सोच के जाते हैं कि कुछ अलग जो है देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आप सबको क्योंकि कुछ भी ऐसा मेकर्स ने नहीं डाला क्योंकि क्रिएटिव कुछ भी नहीं अपने खुद से किया गया इस मूवी में। और रिमेक पे रिमेक ही बनाया गया है, सिर्फ मैशअप जो है सलमान खान की मूवीज का ट्रेलर से जो है इतना पता नहीं चलता है मूवी के बारे में। तो मैं यही कहूंगी ये ट्रेलर में जो छोटी छोटी गलतियां जो हमें दिखाई दे रही हैं वो आगे जो है जब मूवी रिलीज होगी और मूवी देखने के बाद है जो ये छोटी छोटी गलतियां जो है नजरअंदाज की जाए। मूवी आने के बाद ही असल में जो है गलतियां कितनी बड़ी होती है
ये पता चलता है। तो क्या पता कि मूवी में जो है ट्रेलर बनाने वाले ने इतना ध्यान ना दिया हो, पर मूवी अच्छी हो तो मूवी देख के ही जो है मूवी के बारे में कहा जा सकता है, कैसी जो है उसमें कमियां हैं या क्या उसमें जो है दिक्कतें हैं। तो बात करेंगे फिर, लेके आऊंगी रिव्यू मूवी का, राधे मूवी जो कि 13 मई को लग रही है। आप सब जो है देखने जाना। बाकी कोरोना के केसेस है जो बहुत ज्यादा जो बढ़ गए हैं, उसके हिसाब को देखते हुए जो मूवी का जो है देखने जाने का जो है मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ जरूर है, अगर OTT पे लगेगी तो जरूर देखेंगे। और मास्क पहने और जो है सेफ रहें, घर पे रहें, ज्यादा मत जाएं बाहर। तो आगे भी ऐसे ही आती रहूंगी रिव्यू लेके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है जो साइड पे उसे क्लिक भी कर लीजिए। और टिल देन टेक केयर।